तो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हूँ सेटअप पे अपने। आज वीडियो फाइनली लाया हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कुछ मेरा सेटअप है जो ये कोटा कार्ड का। इसी आज बताने वाला हूँ कि आपको कैसे उसमें अपने कार्ड को एक्टिवेट करना है, ठीक है। पूरा फुल डिटेल बताया इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आएगा कि फुल कैसे आपको करना है। मैंने बहुत परेशानी हुआ, एक दिन लगा था मुझे करने में, तो आपको ये फुल परेशानी ना हो इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। बाकी आप सब देख ही रहे हो सेटअप है जो भी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम गया उससे पहले मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, देख सकते हैं 1K जल्द ही होने वाला है, तो प्लीज़ चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, वही बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आ गया हूँ फोन की स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको बताना होगी कोडा को कार्ड को कैसे एक्टिवेट करते हैं, मतलब आपका जो कार्ड आ गया तो कैसे एक्टिवेट करें। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे सिंपल अपना फ़ोन को ऑन करते हैं, करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस आएंगे और लॉगिन करके अपने इंटरफेस कर लेना। अभी तक आपने नहीं देखा वीडियो तो जल्दी जाकर देख लीजिए, और लिंक डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मैं रेफर कोड यूज करोगे तो आपको पैसा यहाँ 51 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। तो मेरा कार्ड ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। सेट योर पिन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेट पिन पे क्लिक कर रहा है, और कस्टमर आईडी यहाँ पे लिख रहा है एंटर योर 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड, मतलब 6 डिजिट कार्ड का लिखना है। तो लास्ट वाला 2 2 4 2 ये बैंक वाला सिस्टम लग रहा है मुझे, छोटा सा ऐसा तो लग तो रहा है। 1 2 3 अपना कार्ड का नंबर डाल लेते हैं, लास्ट 4 6 डिजिट आप भी डाल लेना, ठीक है। फिर डालने के बाद फिर यहाँ पे 6 और यहाँ कर देते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, मैं सॉरी गलती दिया, तो देखिए हमने जैसे डाला, ठीक है, आपको भी ऐसे डालना है। उसके बाद करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है एक्सपायरी डेट, तो लिखते हैं हम इसको, रखते हैं प्लस 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 ये, ठीक है। आप यहाँ पे डाल देना एक्सपायरी डेट, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेट करते हैं मई 5, तो यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर आईडी, ध्यान रखना कस्टमर आईडी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, कस्टमर आईडी को लिखना ही पड़ेगा आपको। तो कस्टमर आईडी आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमर आईडी, आपके उसी में मिल जाएगा जो आपको कार्ड मिला था, उसमें जो मैं आपको जो वीडियो में देखा देख लेना अनबॉक्सिंग का, उसको भी वीडियो ला लाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड नंबर डाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं उसका इंटरव्यू कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी आपने लिख लेना, ठीक है। मैं बताता हूँ आईडी सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है 2 2 9 0 2 2 4 0, उसके बाद 1 8 6, जैसे आप डालते हैं, जैसे हम करते हैं वेरीफाई योर डिटेल पे, तो यहाँ पे क्लिक, ये दोस्तों इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देते हो, जैसे कि मैंने किया। यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट सही से सब कुछ फिल करना है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं फिर से आपको बताता हूँ यहाँ पे करके। नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, वहाँ से मैंने सही फिल कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, इस पर एक OTP आएगा, OTP को आपने सबमिट कर देना है, जो पहले बताया उसके आगे का प्रोसीजर है। तो आप देख सकते हैं आगे, जैसे आप पूरा कुछ कर लेंगे, पहला टिक कर लेंगे तो यहाँ पे OTP आएगा, OTP को आपने कॉपी करके जो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे KYC जो आपने किया था, डेट ऑफ बर्थ जो था आपका, वही डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, यहाँ पे भी आपको गड़बड़ हो सकता है, इसलिए कस्टमर केयर से जाके आप पूछ लेना क्या डालना है। तो मैं पूछ लिया अपना डेट ऑफ बर्थ जो मैंने डाला था, आपको जो पता ही होगा जो आपने डाला होगा, उसका यहाँ पर पिन क्रिएट करना है, जो आपको हमेशा याद रहे पैसा निकालते समय, ATM में जब निकालते समय, दोनों चीज़ आपको याद रहना चाहिए। डालने में जैसे अपडेट पे, यहाँ पे हम अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइनली बन के रेडी हो चुका है अकाउंट, पिन अपडेट सक्सेसफुल, डन पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा आप देख सकते हैं अब यहाँ पे पूरा फुल हो चुका है। तो यहाँ पे हमें बैच भी मिल चुका है, आप देख सकते हैं, देखिए तीसरा अभी चलने वाला है ग्लो पे, और बैच भी आप देख सकते हैं, सब कुछ बैच मुझे मिल चुका है, और भी बैच करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ना, बाय बाय।